दोस्तों 5 मई को रिलीज हुई थी द कलर स्टोरी इंडियन बॉक्स ऑफिस, जिसको वर्ल्ड वाइड में कुल मिलाकर 5,000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया था और आज ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 11 दिन कंप्लीट कर चुकी है। बात करेंगे द कलर स्टोरी डे 1 से लेकर 11 तक इंडियन बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड से कितना कलेक्शन किया है और 12वें दिन ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितना कलेक्शन करने वाली है। गाइस अगर बात करें द कलर स्टोरी का जो बजट था वो केवल 40 करोड़ था। इस मूवी ने केवल 3 दिनों के अंदर इंडिया से अपना बजट रिकवर करके अल्टीमेट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रहने वाली है। गाइस 9वें 10वें दिन इस मूवी ने इतिहास रच दिया। लो यार, इसकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाए वो कम। अगर आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, आपका बहुत बढ़िया धमन होगा। 9वें दिन द कलर स्टोरी इंडिया से 19 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन करके फंटेस्टिक जंप लिया था और 10वें दिन इस मूवी ने इंडिया स्कूल मिला के 23 करोड़ का कलेक्शन करके हिस्ट्री कायम कर दिया था। 10 दिनों के अंदर द कलर स्टोरी इंडिया स्कूल मिला के 136 करोड़ 74 लाख रुपए की कलेक्शन कर चुकी है। अभी डे 11 और डे 12 का बॉक्स ऑफिस ऐड करना बाकी है। पहले दिन इस मूवी ने इंडिया से 8 करोड़ का ओपनिंग लिया, दूसरे दिन 11 करोड़, तीसरे दिन 16 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पांचवें दिन 11 करोड़, छठवें दिन 12 करोड़, सातवें दिन फिर से 12 करोड़, आठवें दिन फिर से 12 करोड़, 9वें दिन 19 और 10वें दिन 23 करोड़ का कलेक्शन करके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कायम करके ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रहने वाली है। द कलर स्टोरी में आपको कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं देखने को मिला, बेसिकली ये लोगों को छू देने वाली मूवी, रियल बेस पे बनी हुई मूवी है। द कलर स्टोरी ने पहले 7 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 91 करोड़ की कलेक्शन की और दूसरा वीकेंड इस मूवी का भी स्टार्ट है और कल या परसों तक दूसरा वीकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बॉक्स ऑफिस पे एकदम फिर से धमाल आएगा। 9वें दिन इस मूवी इंडिया से 19 करोड़, 10वें दिन 23 और 11वें दिन इस मूवी इंडिया से 13 करोड़ की कलेक्शन करके केवल 11 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ का नंबर क्रॉस कर दिया। लगभग 149 करोड़ 74 लाख रुपए है 150 करोड़ का इस मूवी ने 11 दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पे हिस्टोरिकल कलेक्शन कर दिया और 12वें दिन ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस कुल मिला के 10 से 12 करोड़ का फिर से कलेक्शन करने वाली है। जो एडवांस बुकिंग में हमको कलेक्शन सब वो 3 करोड़ है और यहाँ पे 12वें दिन द कलर स्टोरी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 13 से 12 करोड़ का कलेक्शन करके वर्ल्ड वाइड में इतिहास रचने वाली है। अगर बात करें द कलर स्टोरी का बजट था केवल 40 करोड़ था, जबकि किसी का भाई किसी का बजट 120 करोड़ था। लाइफ टाइम में सलमान भाईजान की फिल्म 110 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल हो पाई है, जबकि द कलर स्टोरी लाइफ टाइम इंडिया से 300 करोड़ का भी नंबर क्रॉस करेगी। गाइस इंडियन बॉक्स ऑफिस के मुताबिक सबसे ज्यादा रेटिंग वाली मूवीज हिंदी फिल्म से द कबीर सिंह नंबर 1 पे आती, जिसने इंडिया से 278 करोड़ की कलेक्शन, नंबर 2 पे द कश्मीर फिल्म आती जिसने इंडिया से 252 करोड़ का कलेक्शन किया, नंबर 3 पे द कलर स्टोरी आती है। दो हो सकता है द कलर स्टोरी लाइफ टाइम द कश्मीर को भी बीट आउट करे और कबीर सिंह को बीट आउट करके नंबर 1 हासिल कर ले और सबसे हाई रेटिंग वाली मूवी बन सकती है। द कलर स्टोरी यार इतना ज्यादा मैसिव कलेक्शन किया, अभी किसी ने सोचा नहीं था, मैंने खुद नहीं सोचा था द कलर स्टोरी इतना तबाही मचाएगी। पहले दिन इस मूवी ने काफी बड़ा ओपनिंग लिया था और अब तो यह मूवी सलमान भाईजान अजय देवगन को भी पीछे छोड़ती है हमको नजर आ रही है। वैसे कि आपने द कलर स्टोरी देखी, आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतने में आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब